क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने नई पार्टी बनाने की अटकलों को खत्म करते हुए आज एक नया बयान दिया है। सिद्धू ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, सिर्फ फोरम तक सीमित रहेंगे। वो किसी के साथ भी गठबंधन के लिए ओपन है। जो भी पंजाब की बेहतरी के लिए आगे आएगा वो उसका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी बनाकर वो बादल कैप्टन की वोटें नहीं बटोरेंगे। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से 19 जुलाई को इस्तीफा ये कहकर दिया था कि उन्हें बीजेपी लीडरशिप में किसी भी प्रकार के दिलचस्पी लेने से मना कर दिया गया है। उन्होंने 25 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अपना त्यागपत्र देने के कारणों का खुलासा किया था। शुरू शुरू में ये चर्चा थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सितंबर के पहले सप्ताह में आधिकारिक रूप से अपनी नई पार्टी आवाज़ पंजाब के गठन की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उन्हें सजावटी सामान की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, जिसका सिर्फ चुनाव में उपयोग किया जा सके। उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी नजरअंदाजी का आरोप लगाया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।